उज्जैन में किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को झूठा बताया है। सीएम चौहान ने मंच से बयान दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2200 करोड़ का किसानों का प्रीमियम खा गए। इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं में जमकर नाराजगी देखी गई और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार थी मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उन्होंने किसानों कर्ज माफी पर सबसे पहले मुहर लगाई और निर्देश दिए। साथ ही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रही थी, पर साजिश के तहत सरकार को गिराया गया। नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कलम कलम पर धोखा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हम तो कोरोना काल में बने, व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी। फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरे हम कह रहा हूं महाकाल महाराज के नेतृत्व 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, उसी 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए पहला फैसला हमने किया कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको जवाब देना चाहिए। 19 का 20 का फसल बीमा योजना का रबी का खरीफ का प्रीमियम खा गए, फिर वो प्रीमियम जमा करके किसान भाइयों 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डाले, इसी उज्जैन जिले में 800 करोड़ रुपया से ज्यादा। अच्छा शर्मा जी, मैंने भी सुना, अभी पत्रिका पेपर में देखा मैंने कि 2200 करोड़ का कमलनाथ जी ने किसानों के पीछे खा लाया। तो मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है तो तत्काल इनको FIR दर्ज कराना चाहिए और कमलनाथ जी को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ये गलती शिवराज जी को इसलिए नहीं करना चाहिए, कमलनाथ जी पहले गलती कर चुके हैं, क्योंकि हमने 15 साल से मुद्दे उठाए थे कि डंपर कांड हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, ई टेंडरिंग घोटाला हुआ, जब कांग्रेस ये 15 साल से कहती आ रही थी, तो माननीय कमलनाथ जी ने इन्हें किसी को गिरफ्तार नहीं करा। तो मेरा कहना है कि जो कमलनाथ जी ने गलती करी वो शिवराज जी को नहीं करना चाहिए, इनको 2200 करोड़ के मामले में इनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए अगर ऐसा लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में कोई घोटाला करा है, लेकिन अगर शिवराज जी के मुख से ही निकला है तो इनकी सरकार है, CBI, SB, DIG, CBI जो चाहे जिस एजेंसी से चाहे अभी हल तत्काल जाँच कराकर इनको गिरफ्तारी करना चाहिए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मैसेज देना चाहिए कि तुम्हारा नेता गलत था, और अगर वो गलत नहीं थे तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। इंडिया एक्चुअल क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ फरेब की बातें करते हैं। सबसे बड़ा झूठ यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा किसान नेता अभी तक इस मध्य प्रदेश की धरती को नहीं मिला है, जिसने जय किसान योजना के तहत हर किसान का कर्जा माफ़ करा। और मुख्यमंत्री जो कल बोल के गए कि 2200 करोड़ रुपये कर्ज माफ वो किसान के जो प्रीमियम के खाए हैं कमलनाथ जी ने, ये सरासर झूठ है। जो लोग किसानों के लिए अत्याचार कर रहे हैं वो आज किसानों को दिखाने का एक सम्मेलन कर रहे हैं, उनको झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। वो किसान समझता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, सरकार झूठ फरेब से बना तो ली है पर ये सरकार ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली, समय आएगा महाकाल देखेगा कि ये झूठ फरेब के लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो क्या ये घोटाला हुआ है आप मानते हैं या नहीं हुआ? क्या सर झूठ? एक वो नेता, जन नेता जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, जिसने पहले दिन सरकार बनाने के बाद सबसे पहले साइन किसानों की कर्ज माफी करी, जय किसान ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख किसानों जिसका कर्ज था उसको माफ करने की ट्राई करा, पर कोशिश कर रहे थे, 1 लाख तक आ गए थे, अगली किस्त डलने वाली थी, पर झूठ फेरे की सरकार चाहते नहीं थे किसानों का ही, तो ऐसे भाजपा के बोल सकते हैं कि भाजपा के कुछ षड्यंत्र के तहत ये सरकार गिराई गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।